हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल कबूतर गेयर दिल्ली में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो वीडियो इसके ऊपर होने वाले के भाई, सर्दियों में अपने कबूतरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो आज की मैं वीडियो में आपको यही बताऊंगा मैं अपने कबूतरों की देखभाल कैसे करता हूं। तो आप भी अगर इसी तरीके से जैसे मैं अपने स्टेप फॉलो करता हूं ठंडों में, अगर आप भी करोगे तो आपका एक भी कबूतर बीमार नहीं होगा, आपको कबूतरों को ठंडी नहीं लगेगी। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिसके कारण कि हमारे कबूतर ठंडों में आ जाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सालों से करता हूँ भाई मैं, है ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे कबूतर सेट रहता है, कैसे कबूतरों को खोलना चाहिए, क्या दाना देना चाहिए, कैसे कैसे मतलब। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब बताऊँगा, ठीक है। और चैनल पर जो भी मेरा भाई नया हो चैनल करके सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन आप दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप हमारी वीडियो नहीं पहले देखें, है ना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर दे एक लाइक। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। में आपको बताता हूँ सर ठंडों में अपने कबूतरों की देखभाल में किस तरीके से, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी छत पर आया था बिल्कुल। तो कबूतर हमने सारे जो है अपने कबूतर ढक रखे हैं, ये जाल वाल पेटी वेटी मैंने सब ढक रखी है। कबूतर देख सकते हो ये हमने ढक रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या करना है, बहुत से बंदे क्या करते हैं जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ मौसम थोड़ा सा कैसा हो रहा है। देख लो भाई, धूप से निकल लिया, अब सूरज आ गया, मतलब कि मौसम खुल सा गया, ठीक है। ठंडों में बहुत से बंदे क्या करते हैं भाई, जैसे कि टाइम उनका होता है सुबह के खोलते हैं वो 7-8 बजे। तो भाई वो ठंडों में भी क्या करते हैं 7-8 बजे अपने कबूतर खोल के बैठ जाते हैं, कोहरा होता है उसमें कबूतर खोल लेते हैं अपने, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि धूप है या नहीं, धूप देखनी है। धूप भी के दिन में ऐसा होता है धूप भी नहीं निकलती। तो आपको जो है 7-8 बजे खोलते हो कबूतरों को लेकर जाना है आपको 10 या 11 बजे का टाइम रखना है आपको। उस टाइम पर मौसम खुले या ना खुले आपको कबूतर अपने खोल देने, ठीक है। तो अब जो टाइम हो रहा है मैं 10 या 11 बजे खोलता हूँ ठंडों में कबूतर। इस टाइम पे मौसम खुल जाता है तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कबूतरों की संभाल हो जाती है कबूतरों को ठंडी नहीं लगती है ना। तो अब 10:30 का टाइम हो रहा है, मैं छत पर आया था कि भाइयों को दिखा दिया जाए मैं कबूतर अपने कैसे खोलता हूँ, ठीक है। तो सारे कबूतर हमने पैक कर रखे हैं, तो मैं अपने कबूतर खोल के आपको दिखाता हूँ किस क्या चीज़ करना है। तो भाई हमने कपड़े ढक रखा है और पूरा ना ढकें कबूतरों को, साइडों से बिल्कुल पैक ना करें कबूतरों को, क्योंकि उसमें भक्का बन जाता है तो कबूतर बहुत आड़े भी हो जाते हैं। तो हमने देख लो ये पेटी जो लगा रखी है पीछे से, साइडों से ढकनी रखी, इसमें भी ये देख लो साइडों से छेद है। और जो मैंने जाल लगा रखा है, जाल पीछे से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लगा रखा, पीछे थोड़ी जाल लगा रखी है, बाकी साइडों से ये जो है थोड़ा थोड़ा मैं खोल रखा है, बिल्कुल पैक ना करें कि उससे ही कबूतर बीमारी में जल्दी से आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब देख लो ये कपड़ा मैंने ढक रखा, अब इस कपड़े को जो है हमें ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत से बंदे कर दिया, ठीक है। अब इस कपड़े को ऐसे नहीं करना डायरेक्ट, क्योंकि अभी जो है कबूतर के दड़वे या पेटी जाल में गर्माहट बनी हुई है कपड़े से, ठीक है। अब बाहर का मौसम जो है वो ठंडा है, ठीक है, ठंडा है। अभी एकदम हम हटा देंगे तो कबूतर जब भी सुस्त होकर बैठने लग जाता है, ठंड में मारने लग जाता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 1-2 मिनट के लिए कपड़ा हम ऐसा कर लेते हैं, कपड़े को आप ऐसा कर लें थोड़ा सा, अंदर की जो ठंडक होएगी गर्माहट बाहर निकलेगी, ठंडक अंदर जाएगी तो कबूतर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा मौसम के हिसाब से। अभी बहुत अंदर जो है गर्मी है जाल में, देख सकते हो, ठीक है। तो हम हटा देते हैं इसे, हटाने के बाद जो है 1-2 मिनट आप ऐसे कर लें उन्हें हवा अंदर बाहर जाने दें। तो इसके भी हटा देता हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कबूतरों को मैं सारे पहले हटा देता हूँ जाल बाल के सबके, थोड़ा बहुत ऐसा करके हवा सी अंदर बाहर के एडजस्ट हो जाती है, कबूतर कर लेता है। ये देख लो नई वाला भी हटा दिया जो है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है सारे कबूतरों में, पहले कपड़ा हटा देता हूँ उनके ऊपर से, फिर आपको बताता हूँ भाई। वीडियो का एंड तक ही देखें, ये सारे हमारे कुछ जाल पेटी हैं। अब क्या करना, देखो कबूतर आने के लिए इंतज़ार कर रहा है कब खोलें हम, कब ये बाहर निकलें, ठीक है। तो अभी भी बिल्कुल अभी जो है गर्मी है, जाल ये नहीं समझे कि खोल दिया अब हमें एकदम खोलने, इन्हें ऐसे नहीं करना कबूतरों को, ठंड मान जाएगा इसमें आपका कबूतर। अब जो है मैं 5 से 10 मिनट इंतज़ार करूँगा कबूतरों का कपड़ा हटाने के बाद। आप पहले सभी अपने जाल वाल का कपड़ा हटा दें, उसके बाद 5 या 10 मिनट तक कबूतर को ना खोलें, ठीक है, ऐसे ही रखें। और उसके बाद जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इतना कर लें आप,
जब भी सुबह छत पर आएँ कपड़ा वपड़ा हटा लें, और कपड़ा वपड़ा हटाने के बाद 5 से 10 मिनट कबूतरों को ना खोलें, अपने जाल व पेटी में ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो सुने, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बाद आपको देखना है छत पर दाना वाना तो नहीं पड़ा, ठीक है। अभी देख सकते हो रात का थोड़ा बहुत बचा हुआ दाना था, ये बाजरा आपको दिख रहा होगा पड़ा हुआ थोड़ा बहुत बाजरा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पहले ये हटा दें, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। इतने हम जो है छत की पूरी झाड़ू मार लेंगे, झाड़ू मार लें सुबह आते ही छत पे कबूतरों के कपड़ा वपड़ा हटाने के बाद, क्योंकि पहले आप झाड़ू मार लो फिर हटाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम झाड़ू मार लेते हैं, इतने 5 से 10 मिनट झाड़ू वाड़ू मार के सफाई वफाई करेंगे, ठीक है। तो इतने कबूतर फिर हम खोलेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं झाड़ू मार लेता हूँ फिर आगे की आपको बताएं। झाड़ू लगा ली अपनी छत, ये देख लें दाना वाना सब जो है झाड़ू लगा दी छत पे, क्योंकि रात का जो दाना था वो कबूतरों को नहीं खिला, क्योंकि उसमें हो जाता है वो दाना, उससे कबूतर ठंड मानता बीमार होने लग जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, पानी जो इसमें पिलाएं आप बर्तन को, उसे जाल में तो भाई बिल्कुल ना रखना, रात में पानी पिलाएं जाल में से और बाहर निकाल लें तुरंत, ठीक है। अब ये देख सकता हूँ मैं इसमें पानी पिलाता हूँ, बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ रात शाम को आपको एक काम करना है, जब आप कबूतरों को पानी पिलाएं तो ये बर्तन में से पानी फेंक दें जिसमें भी आप पिलाते हैं, उल्टा करके रख दें, ठीक है। जो भी ओस वोस का पानी होगा वो भाई उसका अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उल्टा करके बर्तन को रख दें, उन्हें चढ़ जाएगा। मैं रात को उल्टा कर देता हूँ, सब पानी फेंक देता हूँ सारा। तो आप ये देख सकते हो, तो मैं अब कबूतर खोलता हूँ। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब कि झाड़ू वाड़ू मैंने सब लगा ली, अभी आपको एक काम करना है उल्टा करके रख दें, ठीक है। तो मैं अब अपने सारे कबूतर खोलता हूँ, और आप सारे कबूतर अपने खोल लिए। अब आपको क्या करना है, ये कबूतर खोल दिए, कबूतर खोलते ही जो है आपको इनको जो है ना पानी नहीं देना, ये एकदम पानी पे तो भगेंगे, क्योंकि ठंडों में कबूतर पानी पे एकदम भगता है, दाना कम चुगता है ना इसकी वजह से। और खोलने के बाद आपको क्या करना है, इनकी थोड़ी सी वर्जिश करवानी है कबूतरों को, थोड़ा दाना इधर डालना थोड़ा उधर डालना, जैसे कि हम करवा रहे हैं, डर आ गए इन्हें इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, क्योंकि परन कबूतर होता है तो भाई उड़ के प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, परंदों को तो आप उड़ा भी लोगे तब भी वो गर्म हो जाएगा। केच होके भी करा है परंदों के साथ, थोड़ा सा डरा दें कपड़े से, जैसे कि कपड़ों से मैं अभी डरा के दिखाता हूँ, डरेगी पहचान उधर से, या उधर से डरेंगे तो इधर आएंगे, इधर से डरेंगे उधर, तो ऐसे कराएं आप 15 से 20 मिनट इनको रोज़ कराएं, ज़्यादा भी करा सकते हो आप 15 मिनट डेली कराएं, डेली सुबह शाम कबूतर गर्म रहेगा आपका इससे, या कबूतर थोड़ा भूखा है तो थोड़ा दाना उधर मारेंगे आप, जहाँ पे दाना मारेंगे वहाँ जाएगा, और उड़ने वाला तो भाई उड़ ही जाएगा। कैच कबूतरों की कराएं, सबकी कराएं, इससे कबूतर आपका बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। थोड़ा दाना इधर डालेंगे हम, थोड़ा दाना डालियो सामने डाल, अब भूख सुबह खोलते ही करवाएंगे, देखो जहाँ दाना जाएगा कबूतर वहीं जाएगा, ठीक है। हल्का सा कपड़ा दिखा दें तो उधर जाएगा, फिर उधर से इधर करें, इधर से उधर करें, ठीक है। ऐसे करते रहें, पानी ना दें ना शुरू में खोलते ही। अब पानी क्या करना है, इनको आधा से ज़्यादा पेट करना है इनका दाना, आधा पेट तो कम से कम होना, क्योंकि अब ये पानी पी लेंगे तो सारे कबूतर जो है फिर दाना कम चुगेंगे, बंद हो जाएंगे। अब इन्हें क्या करेंगे, हम ऐसे थोड़ी देर ऊपर नीचे करते रहेंगे, थोड़ा सा दाना आप ऊपर मारें नीचे मारें, जहाँ पर भी आपका जाल वाल है उस हिसाब से आप करें, क्योंकि 15-20 मिनट वर्जिश करवाएँ। उसके बाद करवाने के बाद आपको एक जगह दाना डाल दें सब कबूतरों का, आप अपने पेट भर दें आधा, आधे से ज़्यादा या फुल भी भर दें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दें आप पानी, ठीक है। तो अब हम वर्जिश इनके कराने के बाद इन्हें पानी देते हैं, जब मैं दिखाता हूँ पानी में, आज मैं इनको कुछ दूँगा घोल के, ठीक है। तो मैं दिखाऊँगा मैं क्या दूँगा, तो आप कबूतरों पहले दाना वाना खिला लेते, उसके बाद मैं पानी दूँगा, तो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो कर दें एक लाइक, और चैनल कर दें सब्सक्राइब, नीचे आ रहा होगा रेड कलर का बटन, उसका नोटिफिकेशन पर ऑल पर कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे डेली रूटीन करना पड़ता है कबूतरों को, डेली वर्जिश कराई जाती है, और टिप्स जो मैं बताई उन्हें फॉलो ज़रूर करें भाई, आपको कबूतर दिख जाएंगे, और माशाल्लाह से मेरे कबूतर सही है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको पेट भरने के बाद इन कबूतरों में, पेट भर देता हूँ अपने, तो मैं पानी पिलाऊंगा इन्हें जब दिखाऊंगा भाई। मैं प्रोटोन दूंगा अपने कबूतरों को, मैंने आपको बताई हुई थी ये लीवर टोनिक है, दें आप अपने कबूतरों को, तो आज मैं अपने सारे ही कबूतरों को ये दूंगा, ये देख लें आप, ये हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। तो मैं एक टेक कर दूंगा अपने कबूतरों को, ये आप देख लें, ठंडों में भाई लीवर कबूतरों का ख़राब हो जाता है, या गर्मियों में तो 12 महीने दे सकते हो आप कबूतरों को, डाल दिए इसमें। अब मैं इसमें पानी भर दूँगा, कबूतरों को भाई अपने कबूतरों को जैसे मैंने टिप्स बताई वो फॉलो करें आप, कबूतर आपके इंशाल्लाह एक बीमार नहीं होगा, ठंड में नहीं आएगा कबूतर, बाई चांस हो जाता है तो आप, मैंने बताई है
ठंड में से कबूतर कैसे निकाला है वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसका कलर देख सकते हो आप, इसका रंग ऐसा हो जाता भाई, पीला रंग हो जाता है। कबूतरों को पिलाता हूँ, कबूतर इधर करता हूँ अपने। अब एक भी कबूतर आपको माशाल्लाह से सारे कबूतर हमारे ठीक हैं। आप कबूतरों को अपने देंगे भी एक हफ्ते में एक बार जरूर दें, ठीक है? तो आपका इंशाल्लाह कबूतर एक भी बीमार नहीं होगा। और भाई इधर का ठीक है भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारी आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं सर्दियों की, ठीक है, कमेंट करें आप कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल पर जो मेरे भाई नए हो चैनल कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहे इस चैनल पर, ठीक है? तो आप फॉलो जरूर करना और कमेंट करें, ठीक है भाई।